Hola chicos, what's going on everybody? It's me, Sprahan. Welcome back to my channel, guys. So today I'm going for a shopping of my mehndi lehenga. जो मेहंदी का थीम है वो हमने कार्निवल थीम सोचा है. तो कार्निवल थीम के अकॉर्डिंग आई वॉज लुकिंग फॉर अ लहंगा. सो मुझे ऐसा कोई लहंगा मिल नहीं रहा है. सो आई हैव थॉट कि मैं जाकर अपने अकॉर्डिंगली फैब्रिक लूंगी, देन अपने अकॉर्डिंगली उसे स्टिच कराऊंगी ऑफ माई डिजाइन एंड माई चॉइस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से चलते हैं मार्केट और मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपना फैब्रिक कहाँ से ले रही हूँ और क्या क्या चीजें उसके साथ मैं ले रही हूँ अपने मेहंदी लहंगे को डिजाइन करने के लिए. एंड आफ्टर दैट आप मेरा मेहंदी लहंगा फाइनल लुक देखोगे मेहंदी वाली डे पे. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो. सो मैं ज्यादातर घर पे ही रहती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहा कि जबलपुर में ठंड आ गई है. तो मैंने अभी अपना हुडी पहन लिया है और अब हम चलते हैं. तो सबसे पहले हम पहुंच गए जबलपुर के सबसे मेन मार्केट बड़े फुहारा में. वहां पे एक बहुत अच्छी शॉप थी पीपल वाला. तो बाकी जो शॉप्स हैं बड़ी बड़ी वो सारी रेडीमेड शॉप्स हैं. अगर आपको फैब्रिक चाहिए है तो ये बहुत ही अच्छी शॉप है. आपको वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स मिल जाएंगे. इसे लेने तो मैं मेहंदी का आउटफिट गई थी लेकिन मुझे एट द एंड येलो कलर का फैब्रिक पसंद आ गया तो मैंने येलो कलर का फैब्रिक हल्दी के लिए ले लिया. मुझे नहीं पता था कि बत्रा शॉप में रेडीमेड गारमेंट्स के अलावा भी फैब्रिक्स मिलते हैं. यहाँ पे बहुत ह्यूज रेंज ऑफ वैरायटी थी फैब्रिक्स की और रेडीमेड गारमेंट्स लहंगे वगैरह की. इस शॉप में मुझे टॉप और बॉटम का फैब्रिक मिल गया था लेकिन मुझे दुपट्टा लेने कहीं और जाना पड़ा. तो मैं यहाँ आ गई हूँ दूसरी शॉप्स में. बड़ी बड़ी सारी शॉप्स चेक करने के बाद अब मैं थोड़ी छोटी शॉप्स में जो जहाँ पे थान के कपड़े मिलते हैं वहाँ पर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे. जो भी वो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो इन छोटे छोटे थान की शॉप्स में से ही कपड़े लेकर जाते हैं और डिज़ाइन करके उसे रेडीमेड में बेचते हैं. तो अगर आपको भी कुछ स्टिच करवाना है तो प्लीज़ इन शॉप्स को ज़रूर विजिट करिएगा. इनके पास बहुत सारी वेराइटी थी ऑर्गेंजा फैब्रिक, नेट फैब्रिक, हर तरह के फैब्रिक में. यहाँ पे थोड़ी पब्लिसिटी भी हो गई मेरी. ये कौन से चैनल पर आते हैं, क्या नाम है? स्प्राहा गुरु. स्प्राहा गुरु देखना आप. तो वो सरदार जी काफ़ी अच्छे थे और मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गया है और मैंने वहाँ से येलो कलर का एक दुपट्टे का फैब्रिक ले लिया है जो भैया काट रहे थे. उसके बाद हम निकल गए वो दुपट्टा जो मैंने लिया है उसके लिए बॉर्डर्स लेने के लिए. यहाँ पे आशीर्वाद मार्केट करके एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ आपको वेराइटी ऑफ बॉर्डर्स मिल जाएंगे, लटकन मिल जाएंगे, झूमर्स मिल जाएंगे. आपको अगर कुछ भी डिज़ाइन करना है, अगर आपके माइंड में या आपने प्रिंटरेस्ट में कोई भी डिज़ाइन देख लिया है तो आप बिल्कुल वैसा डिज़ाइन बनवा सकते हो अलग अलग फैब्रिक लेकर, अलग अलग बॉर्डर्स और झूमर्स सारी चीज़ें लेकर. भैया दुपट्टे और बॉर्डर को अपने ऊपर रख के पूरा एक लुक क्रिएट करके मुझे दिखा रहे थे कि वो फिनिश लुक कैसा दिखेगा एट दी एंड. और हम वही डिस्कस कर रहे थे कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं. फिर हमने वहाँ से दो लेसेस ली थी सिल्वर कलर में. सो फाइनली जो जो भी मुझे चाहिए था जैसे कि बॉर्डर्स हो गए, लटकन हो गए या ब्लाउज के पीछे डेकोरेशन के लिए वर्क हो गए, वो सारे आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन एक ही जगह पर सब मिल जाएगा. सो गाइस वी आर बैक होम एंड इट्स वेरी लेट एंड वी आर वेरी टायर्ड एज वेल. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. Until next, don't forget to like this video, subscribe to my channel and share it with everyone. And yeah, don't forget to comment on this video because aapke comments padke mujhe bahut hi acha lagta hai. Until next, see ya guys.